देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को उनकी कप्तानी और बैटिंग के लिए ही नहीं जाना जाता, वो अक्सर मैदान में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं। हालांकि अब रोहित शर्मा ने कानपुर टेस्ट के चौथे दिन कुछ ऐसा ही किया। बता दें, भारतीय कप्तान टीम इंडिया के पवेलियन में बातें कर रहे थे और अचानक वो कैमरामैन को गालियां देने लगे। इसके बाद रोहित शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। सवाल ये है कि आखिर भारतीय कप्तान ने ऐसा क्यों किया, आइए आपको बताते हैं इसकी वजह। दरअसल भारत की पहली पारी के दौरान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पवेलियन में बैठे हुए थे। रोहित शर्मा विकेट कीपर पंत को कुछ समझा रहे थे। उनके ही बगल में हेड कोच गौतम गंभीर भी बैठे थे। रोहित शर्मा लगातार पंत से बातें कर रहे थे और तभी उन्हें पता चला कि कैमरामैन ने कैमरे को उन्हीं की ओर फोकस किया हुआ है। इसके बाद रोहित शर्मा ने पंत से बातें करना छोड़ इशारे कर कैमरामैन को मैच दिखाने का इशारा किया। रोहित शर्मा इस दौरान कुछ ऐसे शब्द भी बोल रहे थे जो वो अक्सर मैदान पर कहते रहते हैं। हालांकि रोहित शर्मा ये करता देख ऋषभ पंत को हंसी आ गई और गौतम गंभीर भी खुद की हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा अक्सर मैदान पर अब शब्द कहते नजर आते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को भी गालियां देते हैं, लेकिन वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो दिल से ये सब बातें नहीं करते। वो और उनके खिलाड़ी मैदान से बाहर जाकर सब भूल जाते हैं। बता दें, कानपुर टेस्ट में भले ही खेल का दूसरा दिन और तीसरा दिन बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया जीत के काफी करीब है। टीम इंडिया ने पहली पारी 285 रनों पर घोषित की और इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 146 रनों पर ढेर कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।